एक दूजे के वास्ते। मैंने देवराज को उस दिन क्या क्या बोल दिया, उसकी इंटेंशन पर भी शक किया, फिर भी उसने कर्नल खान के सामने मेरा नाम तक नहीं लिया। मुझे देवराज से बात करनी चाहिए। ये देवराज भाई सबको दिया, बोला लगा ले, आराम मिलेगा। क्यों? वो सुमन ने बोला आपके पैर के लिए जो बाम बना है वो देवराज भाई साहब के लिए भी बना दूं, उनके हाथ में चोट लगी है तो उनको आराम मिलेगा। अगर दर्द ठीक होता हो तो थोड़ा श्रवण भैया के लिए भी दे दो। क्या हुआ श्रवण को? कल तक तो ठीक था। कल ही तो दद्दू ने उनका टायर पंचर कर दिया, तो हो सकता है ठीक करते करते उनको भी लग गई हो। पापा आपने? हाँ और क्या, उन्होंने कितनी बार बोला कि ठीक से गाड़ी पार्क किया करो, पर उनको अकल है तब ना। हाँ पापा, कभी जबरदस्ती हमारी पार्किंग में घुस जाते हैं तो कभी क्लास में। दादू ने अच्छा सबक सिखाया कल उसे घर से बाहर निकाल के। वैसे भी उसको तो यूएस जाना है ना, तो ग्रुप स्टडी का क्या फायदा। क्या बात कर रही हो सुमन, तो पापा आप भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। आर्मी जॉइन नहीं करनी तो क्या, 12th तो क्लियर करनी है ना बच्चे को। अरे तो इसीलिए ग्रुप स्टडी की मतलब क्या? पापा जो बात गलत है सो गलत है, ये मेरी क्लास है और श्रवण इसे ज्वाइन करेगा बस। डमरू मैं चेंज करके आता हूँ, मैं खुद देकर आऊंगा दवाई। तुम थोड़ी देर के लिए अंकल से दूर रहना और मिलना मत, तब तक मैं वहां खुद आके उन्हें सब सच बता दूंगी, पर इस तरीके से बताऊंगी कि उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा और गुस्सा भी नहीं आएगा, और तुम वापस स्टडी ग्रुप में भी आ पाओगे। ऐसा क्या खिला दिया उन पड़ोसियों ने जो सुबह से वॉशरूम में पड़े हुए हो? आ रहा हूं ना अम्मी, रुक। वैसे अम्मी कोई घर पे आया है क्या? नहीं, किसी ने आना था। नहीं, मुझे लगा बेल बजी होगी। तू चल मैं आता हूं। ओके। कब तक होल्ड करूं यार पापा को? तकापाद सुमन तिवारी। दादू सुमन को भी भेज दीजिए ना साथ। अरे वो क्या है ना, वो श्रवण तो दो चार झूठ भी मिला देगा बाद में, हमारी सच्चाई की देवी उसे वही ठीक कर देगी। सुमन जी दादू, ऐसा करो कि तुम भी चली जाओ, देखा कि वहाँ कोई गलत बात ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं दादू, मैं भी जाती हूँ, आप चिंता मत करो, हमारी टीम से मैं अकेली काफी हूँ। दवाई पापा मैं भी चलती हूँ ना। ठीक है चलो। किसलिए लग रहा है उसे इतना टाइम? वही तो जी, पूरी फैमिली का परांठा निपट गया, उनको निपटने में इतना टाइम क्यों लग रहा है पता नहीं जी। मैं खुद ही देख के आता हूँ। ओह महाराज जी आओ आओ, आप ही का इंतजार हो रहा है, आओ जल्दी आ, आगे बैठ, नाश्ता कर, बैठना, बैठ बैठ। सुना, इससे पहले इनके सवालों की बारिश शुरू, मेरी गाड़ी को लेके कोई चूचू हुई क्या? पंचर कैसे हुआ ये? वो मैंने किया है और फिर करूंगा, जब तक तुम लोग पार्किंग की जगह जान ला लो और तुम और तुम्हारे चाचा दोनों टायर बदलना सीख लो। तो बता कैसा रहा कल का दिन? बता दे अपने पापा को, कल जब तेरे पापा गए थे ना, चाय तक नहीं पूछी थी, तुझे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं, ऐसे भेज दिया। रुको तो सही यार, भूख लगी है, अब खा लूं या बातों से पेट भरना है मुझे। चल ठीक है नाश्ता ले चल। आजा सुमो, और होल्ड नहीं कर पाऊंगा यार, गलती तो नहीं कर दी इस पे भरोसा करके। अब नाश्ता शुरू कर लिया ना तुमने, अब खाते खाते बता क्या सीखा तुमने, कैसी रही कल की क्लास? पार्सल वाला सर, पार्सल। ये सुमो कहाँ रह गई? क्या यार, हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती है,
वो छोड़, तू बैठ ना, अपनी सुना, बैठ। बता। अभी ना मेरे भरोसे की हो गई है बस। चल बेटा श्रवण, शुरू हो जा। भाई बोलता क्यों नहीं, बताना। ओ बोल भाई। बोलता इसलिए नहीं क्योंकि पापा बोल के नहीं करके दिखाने वाली चीज। कल हम सबने की ट्रस्ट एक्सरसाइज। चाचू इधर आओ। अरे आओ तो। गाड़ी को लेकर कोई गल नहीं है। तो अब चाचू आप आंखें बंद करो और गिर जाओ। क्या? अरे गिरो तो सही, मैं संभाल लूंगा। अब ऐसे तो टीम में ट्रस्ट बनता है ना एक दूसरे पापा। और सुनो चाचू, पीछे की तरफ गिरना, आगे नहीं। वो कल क्या ना एक दो बच्चे आगे की तरफ गिर गए मामा। अरे तूने की एक्सरसाइज? ऑब्वियसली पापा, आप तो जानते हैं ना मुझे। इनफैक्ट सबसे पहले ट्राई मैंने की। वो क्या ना पापा, भरोसे से जंग जीती जाती है। अब बताओ गिरोगे? देखो डिपेंड करता है कि पीछे कौन खड़ा है। अगर तू खड़ा है पीछे तो हाँ गिर जाऊं, मगर अगर वो पड़ोसी होंगे तो मैं नहीं गिरूंगा, उनसे मेरा ये तगड़ा वजन संभाला ही नहीं जाएगा। शर्म करो, शर्म करो। ये नहीं कि बच्चे से पूछो क्या सीख के आया, उसका हौसला बढ़ाओ। चलो अच्छा है, ध्यान बटा भला टली। कहा था ना भरोसा नहीं टूटने दूंगी। एक्चुअली मैं पापा की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। उन्हें छोटी सी बात के लिए श्रवण को क्लास से बाहर नहीं करना चाहिए था। और वो गलत पार्किंग? सॉरी राजेंद्र, तुम्हें भी उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी फॉर दैट। मैं झूठ बोल चुका हूँ, कुछ मत बोलना, कांड हो जाएगा। और बताना चाहिए था ना कि क्या करने वाली हो। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था क्लास की, ट्रस्ट एक्सरसाइज। ट्रस्ट एक्सरसाइज के नाम पर तूने हमारा ही ट्रस्ट तोड़ दिया। पापा वो मुझे लगा कि लगा तो मुझे था बेशरम। कर्नल साहब ने अगर क्लास में बुलाया तो कुछ सीखेगा, पर तू तो वहां से धक्के खाकर आया। ऐसी बात नहीं है देवराज, मैं देख सकता हूं श्रवण में एक आग है। मुझे तो बुझती हुई चिंगारी भी नहीं दिखती। आपसे क्या कहूं, इसका बाप तो मैं हूं ना, इस गधे को मुझे ही झेलना है। लगता है पापा वाली बात से ज्यादा ही नाराज हूं। मैं एक बार सॉरी बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल सकता हूं। नहीं नहीं कर्नल साहब, कहां आपके बाबूजी रिटायर्ड ब्रिगेडियर और कहां आप कर्नल। मेरी ही गलती है, मुझे ही श्रवण को आपके यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। अरे सब अपनी अपनी जगह रहें, वही अच्छा होगा।
देवराज, एक प्रॉमिस कर सकता हूं, अगर श्रवण को ग्रुप स्टडीज के लिए भेजोगे तो मैं इसे बिल्कुल वैसा ही बना सकता हूं जैसा तुम बनाना चाहते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी। सी यू। पापा, मैं ये अंकल को देके आती हूँ। ठीक है। अंकल, ये चाचू ने भिजवाया है। थैंक यू बेटा। आई सजेस्ट आप अभी लगा लीजिए, चोट बहुत ज्यादा है। ओके। अंकल ऐसे नहीं, दीजिए मैं करती हूँ। वो एक्चुअली चाचू को बचपन से देखती आ रही हूँ ना, तो अब मैं भी सीख गई हूँ। अंकल, आप तो पापा के दोस्त हैं ना, तो इसलिए आपको तो पता होगा कि वो ऐसे ही किसी को प्रॉमिस नहीं करते, वो सच में श्रवण को बदल देंगे। प्लीज मान जाइए। अंकल, मैं 2 मिनट श्रवण से मिलाऊं। जी, आप ना उसकी मीठी मीठी बातों में ना आना, मैं सब समझ रही हूं। क्या कर रही हो? कहां जा रही हो? क्यों? जब भी उदास होता हूं तो ऐसी रेडियो की शाइन आती है, अच्छा लगता है। अब तुम भी कदा बोल लो। ओह, वो तो अंकल को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि तुम्हारी शक्ल गधे से जो मिलती है। ठीक है यार, पापा कुछ भी बोलते हैं किसी के भी सामने, तो इसका मतलब तुम भी। किसी के भी मतलब मैं बड़ी हूँ तुम्हारी श्रवण। तो बड़ी जज करते हैं, साथ देते हैं, भरोसा करते हैं। वो मेडल और ट्रॉफी जीत रहे हैं, सब मैंने जीते। बैडमिंटन स्टेट चैंपियन था, पर पढ़ाई के चक्कर में वो भी छुड़ा दिया पापा ने। हाँ, बताया था तुमने, पर ये तो नहीं बताया कि आज तक जिस भी लड़की को डेट किया उसने सिर्फ एक बात बोली कि मुझ में कुछ बात है। अब इतना काफी है भरोसा दिलाने के लिए कि मैं गधा नहीं हूं या कुछ और बोलूं। काफी है, गधा, बंदर, भालू कुछ नहीं हो। एस फॉर श्रवण, एस फॉर स्मार्ट, तो अपनी स्मार्टनेस का थोड़ा फायदा उठाओ ना। मतलब ये कि पापा की बात मानो और ग्रुप स्टडी में आओ। और वैसे भी ग्रुप स्टडी सिर्फ 1 महीना ही चलने वाली है, और इस 1 महीने में ना पापा तुम्हें बदल देंगे। श्रवण, मुझे नहीं बदलना, मैं बेस्ट हूँ। अभी अंकल ने क्या कहा था
कि तुम लोग शिफ्ट क्यों हुए थे? तुम ग्रुप स्टडी में आओगे तो अंकल खुश हो जाएंगे, यानी कि पापाओं में पैच अप तुम्हारी वजह से। प्लीज फिर से बुला रही हूँ ताकि फिर से इंसल्ट हो और फिर से तुम चुपचाप खड़े होकर सब कुछ देखती रहो, है ना? तब तुम्हें मैंने नहीं बुलाया था, अनीश ने बुलाया था। वरना तुम खुद ही सोचो, तुम्हारी बड़ी कभी किसी और से मैसेज करवाती? पापा सच में चाहते हैं, प्लीज आ जाओ। तो तुम बुला रही हो क्योंकि अंकल चाहते हैं? मुझे नहीं आना, प्लीज तुम जाओ यार यहां से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर ये नहीं आया तो पापा को लगेगा कि अंकल ने नहीं आने दिया, नाराजगी बढ़ेगी, पापा का मूड और खराब। क्या करूं? अच्छा सुनो, अगर बाय चांस तुम्हारा मूड चेंज हो जाए तो शर्ट का ऊपर वाला बटन खोल के आना, तुम पे बहुत सूट करता है। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। करते रहो इंतजार, श्रवण नहीं आने वाला। अरे उन लोगों ने मेरी कितनी बेइज्जती की है, मुझे तो पूरा यकीन है श्रवण ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और नहीं तो क्या, देखना उसके पापा ने भी अब जाने नहीं देना। देख लिए ना अपने दोस्त के सारे रंग। ताई जी, ओके आंटी बाय। वो क्या कहा श्रवण ने, जाएगा? जवाब नहीं दिया आंटी। वाह भाभी, आज तो श्रवण ने इसकी बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। अरे भाई, हम आर्मी वाले भले ही ना सही, लेकिन मेरे पुत्र के लिए ना अपनी इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बड़ा हीरो बन के आया था, जीरो बना के भेजा है सर। ऐसा लग रहा था उसकी टायर की निकली हवा से दोनों के मुंह फूल रहे हो। ऐसे लोगों को ऐसे ही समझ आता है। अब गाड़ी तो क्या, वो खुद आसपास दिखाई देगी। अरे ग्रेट, आजा सेशन शुरू करते हैं। आओ, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं दादू, वो श्रवण भी आने वाला है। पर तुमने ऐसा क्यों होने दिया? वो एक्चुअली पापा चाहते थे कि वो आए, इसलिए वहां जाके मैंने भी उसे बुला लिया। तो वो पक्का ही आ जाएगा। ओए, क्या हुआ, हो गया सब सेटल? मैंने बोला था उसे कि मैं आ रही हूं, पर इडियट पहले ही सबको झूठ बोल चुका था। अंकल काफी गुस्से में लग रहे थे और पापा सबको प्रॉमिस करके आए हैं कि उसे भेज दो तो लाइन पे ले आएंगे। तो मतलब अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है? अब क्या? पापा का वादा मतलब मेरा वादा, उसे आना तो पड़ेगा कंजा। देख सुमन, सब वादे अनोल ना अपनी जगह सुनने में अच्छे लगते हैं, पर कल जितनी बेइज्जती हुई है ना उसकी, आई डोंट थिंक वो तेरी भी सुनेगा। पर आज जैसे मैं उसकी तारीफ करके आई हूँ ना, आना तो चाहिए उसे। तारीफ मतलब? झूठ बोलना पड़ गया कि तुम स्मार्ट हो, तुम्हारे बिना पापाओं को ये करना मुश्किल है, शर्ट का खुला बटन तुम्हें सूट करता है। One second, what? Are you serious? खुला बटन? जिस चीज के लिए दादू ने उसे गुंडा कहा था। सीरियसली सुमन, तुझे लगता है ये सब काम करेगा? आते हुए जब मैंने उसे कहा ना कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी, उसका चेहरा देखती थी, चमक रहा था गंजा।
क्या यार सुमन, टेंशन मत ले, ऐसे छोटे मोटे बॉम्ब ना मुझे भी गिराने आते। आज तो कोई बड़ी चीज ही मांगी होती ना तूने, तो मिल जाती। सुमो ने तेरे खुले बटन की तारीफ की है। सुमो ने कहा है कि वो मेरा वेट करेगी। मेरा सुमो ने कहा है कि ग्रुप क्लास पूरा एक महीना चलेगी। इसका मतलब सुमो के साथ साथ और पास पास वक्त बिताने के लिए मेरे पास एक महीना है, और इसी एक महीने मुझे कैसे भी करके सुमो का दिल जीतना है। उस साथ में उस अनीश और दद्दू का जो बैंड बजाना है ना, वो अलग। क्या बोलता है हीरो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।